हेलो करो बाकी, एक बार बता दो आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं और वॉइस ऑडिबल है या नहीं, जल्दी से बता दो। आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं और जो बोर्ड है वो, सॉरी, हाँ, स्क्रीन विजिबल है या नहीं और वॉइस ऑडिबल है या नहीं। गुड इवनिंग करो बाकी। शुरू करें क्लास, विजिबल और ऑडिबल, चलो सही है। ओके, ये आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन रहा। पेन पेपर पकड़ो और सबसे पहला काम दिमाग में ये रख लो, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मिनट्स इस क्वेश्चन को देना है, ठीक है? मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मिनट्स, 3 मिनट में हो जाता है तो जबरदस्त है, ठीक है? जल्दी से शुरू करो, एक बार हो जाए फिर हमें बताओ, डन। एक बार हो जाए हमें कमेंट में तुरंत से बताना, डन। जिज्ञासा, सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक्स में क्लियर हो, एक बार हमें बता दो, सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक्स में आप क्लियर हो या नहीं? यस मैम। ओके, चलो फिर। यस मैम, क्लियर हूँ। ओके, सॉल्व करो, सॉल्व होने हो जाने के बाद एक बार डन बोल के लिख लेना। यस मैम। ओके, करूँ बाकी, डन। चलो ठीक है, सबका प्लेस मतलब श्योर है या किसी का इधर और रहा? जिज्ञासा, डन। ओके, चलो ठीक है। ओके, चलो, अब क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, 8 लोग बैठे हुए हैं स्क्वायर टेबल में। सबसे पहली बात बता देते हैं कि अगर आप लोग आईबीपीएस पीओ में भी देते हो तो शायद इस लेवल का क्वेश्चन आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे जहां पे एक क्वेश्चन इस लेवल का एक्सपेक्ट कर सकते हो, देयर इज अ चांस, ठीक है? 8 लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं स्क्वायर टेबल में, 4 कॉर्नर में बैठे हुए हैं, 4 मिडिल में बैठे हुए हैं। ओके, 4 लोग आपके कॉर्नर में बैठे हैं, 4 लोग जो है वो आपके मिडिल में बैठे हुए हैं। कंडीशन क्या बोला हुआ है कि जो लोग बैठे हुए हैं कॉर्नर में वो लोग सेंटर फेसिंग है, तो कॉर्नर वाले जो है वो सेंटर फेसिंग हो जाएंगे, ठीक है? जो मिडिल वाले हैं वो आउटवर्ड फेसिंग हो जाएंगे, बात खत्म। अब क्वेश्चन का लेंथ अगर छोटा है तो आप इसको पढ़ के कर सकते हो, क्वेश्चन का लेंथ अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो इसका रफ वर्क एक साइड में कर लेना अपने रफ पेपर में, ठीक है? क्योंकि बार बार लैपटॉप को देख के सॉल्व करने के टाइम पे दिक्कत हो सकता है, तो जो जो डेटा अगर दिए गए हैं उनको क्या करना, रफ में एक बार लिख लेना ताकि तुम्हें बनाने में आसानी होगा। बोला हुआ है एम हु फेसेस सेंटर, एम जो कि सेंटर की तरफ फेस किया है
वो थर्ड लेफ्ट ऑफ वी है, ठीक है। तो अगर हम एम को यहां बिठाते हैं तो थर्ड पोजिशन में जो भी होगा एक आउटवर्ड फेसिंग वाला होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वी को बिठाते हो तो वी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एम होगा, वी के थर्ड लेफ्ट में एम। उसके बाद यू जो कि सेंटर फेसिंग है वो वी के पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो एक ही जगह बचा है यू के लिए। नाउ दिस इज यू। उसके बाद ओनली वन पर्सन बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, तो वन पर्सन छोड़ के डब्ल्यू के लिए कौन सा जगह बचा एक बार देख लो। डब्ल्यू के लिए तुम्हारा एक जगह ये बचा हुआ है, W के लिए एक जगह ये बचा हुआ है, ठीक है। इसको अगर तुम चाहो तो दो डायग्राम में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको होल्ड में रखते हैं। P सेकेंड टू द राइट ऑफ N, N के सेकेंड राइट में P है और N जो है वो सेंटर फेसिंग है, तो सेंटर फेसिंग मतलब यहां से सेकेंड राइट खाली नहीं है, यहां से N से सेकेंड राइट में P, ये एक ही जगह खाली बचा है, ठीक है। O not an immediate neighbor of M. M का पड़ोसी अगर O नहीं है तो O यहाँ आ जाएगा। This person will be W. M N O P U V W X. M N O P U V W बचा हुआ इंसान X है। और ये आप लोगों का फाइनल अरेंजमेंट है। एक बार अपना अरेंजमेंट जो है वो हमारे अरेंजमेंट के साथ मैच कराओ और देख के हमें बताओ कि करेक्ट है या नहीं। कोई भी एक पर्सन से ले लो, करो बाकी मैच। ओके जिज्ञासा, वेरी गुड, जबरदस्त। ओके टाइम एकदम पूरा मस्त से ले रहे हो। ओके इसी फ्लो में चला आराम से, तुम लोग का जब एग्जाम आएगा तब तक तुम्हारा हैंड बहुत फास्ट हो गया होगा। चलो इसको शुरू करो। जैसे ही सॉल्व हो जाए डन बोल के लिख लेना दोनों। जिज्ञासा डन करो बाकी आपका हुआ। चलो वेरी गुड। ओके आठ लोग बैठे हुए हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आठ लोग बैठे हुए हैं स्ट्रेट लाइन में, सारे के सारे जो है नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। ओके क्वेश्चन ऐसे आठ लाइन लेके आप शुरू तभी करना जब एक्सट्रीम एंड वाला या एक्सट्रीम एंड से किसी भी पर्सन का पोजीशन फिक्स हो। हमेशा याद रखना किसी भी पर्सन का पोजीशन जहां पे फिक्स मिले, तुमको फिक्स मिले तभी तुम वहां पे क्या करना, आंख बंद करके ऐसे सेटअप बना लेना, वरना आठ लाइन नौ लाइन ऐसे खींच के शुरू मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज याद रख रहना। हम ये लाइन तुरंत से इसी वजह से खींच लिए क्योंकि हमें बोला गया है यू जो है वो एक्सट्रीम एंड में बैठा हुआ है। इसका मतलब यू के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो लेफ्ट या तो राइट, इसके अलावा यू का कोई जगह नहीं है। तो वहां से लेके मैं आठ लोगों का एक लाइन फ्रेम बना सकती हूँ, इसी वजह से मैं आंख बंद करके आठ लाइन खींच ली।
एग्जाम में इस चीज का ध्यान हमेशा रखे रहना, ओके। आगे हम इस तरह के क्वेश्चन से मतलब करवाएंगे, जहां पे किसी पर्सन का पोजीशन फिक्स ना हो तो शुरू कैसे करना है, ठीक है। तो यू के सेकंड राइट में क्यू है, तो यू अगर एक्सट्रीम राइट में बैठेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यू को एक्सट्रीम लेफ्ट में बिठाओ और उसके सेकंड राइट में क्यू हो गया। ओनली थ्री पर्सन बिटवीन क्यू टी, एक दो थ्री पर्सन छोड़ के क्यू टी, आर जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ एस है, ओके। एस के थर्ड लेफ्ट में आर है, तो देखो एस यहां बैठेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ आर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बैठेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जगह नहीं है, यहाँ बैठेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब दो पॉसिबिलिटी कायदे से आ रहा है, तो मैं इनको ऊपर नीचे करके ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अगर ये दो, यहाँ पे दो लाइन है, अगर दो लाइन को तुम इकट्ठा पढ़ोगे तो तुम्हारा एक ही पॉसिबिलिटी में हो जाएगा, तुम्हें दो पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, पर अगर लाइन बाय लाइन सॉल्व कर रहे हो तो दो पॉसिबिलिटी बना लो, आगे एक कट जाएगा। आर थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, तो एस अगर यहाँ बैठता है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आर है, एस यहाँ बैठेगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आर हो गया। फिर टू पर्सन बिटवीन एस पी, तो वन टू छोड़ के जगह नहीं है, ऊपर वाला गलत हो गया, एस वन टू पर्सन छोड़ के पी हो जाएगा, ठीक है। वी जो है वो टी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो वी यहाँ बैठ गया, पी क्यू आर एस टी यू वी, और लास्ट बचा हुआ बंदा डब्ल्यू है। ये नीचे वाला तुम्हारा करेक्ट अरेंजमेंट है, मैच करो, आंसर करेक्ट है, मैच करो। ओके, दोनों का करेक्ट है, जबरदस्त। चलो ये सिलोजिम का क्वेश्चन है, एक बार बनाओ, एक सिलोजिम का क्वेश्चन आया है, बनाओ। हमारे क्लास में डेली एक चीज तुम क्लास खत्म होने के बाद देख लेना, कितना क्वेश्चंस तुम बनाए, एक डेढ़ घंटे का क्लास जो चल रहा है, डेढ़ घंटे में तुम कितना बना पा रही हो, उसी से तुम अंदाजा लगा लोगे कि तुम्हारा स्पीड कितना हो रहा है। जिज्ञासा, रिकॉर्ड में चली जाना, कल का जो क्लास हम लिए थे उसका रिकॉर्डिंग याद से एक बार देख लेना, वो क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, करूँ बाकी ओनली टू। जिज्ञासा एक बार बताओ, सिलोजिम में तुम्हारा कॉन्सेप्ट कैसा है, सिलोजिम में कॉन्सेप्ट कैसा है? ओके ओके, चलो ठीक है, ये वाला हम बना रहे हैं। ओके, एक बार देखो कि तुम्हारा जो मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का टेक्निक है वो इसी तरह से हो रहा है या नहीं, वरना हम कल के क्लास में सिलोजिम पूरा बेसिक से करवा देंगे, ठीक है। All pencil are cutter, ठीक है, सारे पेंसिल जो है वो क्या है, कटर है। All pencil are cutter. Some cutter जो है वो क्या है, स्केल है। No scale is compass, ये compass है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायग्राम। पहला कंक्लूजन, ऑल कंपास बिंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कंपास जो है वो पेंसिल के अंदर आ सकते हैं या नहीं, ठीक है। एक चीज, जैसे कि हम तुमको करवा की गड़बड़ी कुछ कर दी हो, फिर से हम बता रहे हैं, ऑल कंपास बीइंग पेंसिल, तुम्हें क्या करना है, कंपास को, इस बंदे को पेंसिल के अंदर लाना है। हमें एक बात बताओ, पेंसिल का अपना पर्सनल एरिया है या नहीं, कंपास के साथ झगड़ा किसका है, स्केल का है, तो ये वाला एरिया अभी प्रॉब्लम में है। बट इस एरिया को छोड़ के यहाँ पे जो कटर बैठा हुआ है, इसका ये पूरा एरिया फ्री है, पेंसिल का तो पूरा ही एरिया फ्री है। तो अगर मैं इस डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चा लोग, ओके, इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे करूं, कंपास को पेंसिल के अंदर लाना है, ये कंपास है, वो पेंसिल के अंदर आ गया, पेंसिल तुम्हारा कटर के अंदर है, कटर का सम रिलेशन स्केल के साथ है, और स्केल का झगड़ा किसके साथ, कंपास के साथ चल रहा है। देखो ये डायग्राम तुम्हारे स्टेटमेंट को कहीं पे भी बिगाड़ नहीं रहा है, ठीक है।
ये डायग्राम तुम्हारे स्टेटमेंट को कहीं पे भी नहीं बिगाड़ रहा है और ये कंक्लूजन भी करेक्ट हो रहा है। पॉसिबिलिटी केस का रूल होता है तुम एटलीस्ट एक डायग्राम ऐसा बनाओ, ओके, एटलीस्ट एक डायग्राम ऐसा बनाओ जो तुम्हारे स्टेटमेंट को भी डिस्टर्ब ना करे, उसके साथ साथ कंक्लूजन को भी करेक्ट करने की कोशिश करे, और ये वाला पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा कंक्लूजन है एटलीस्ट सम कटर आर पेंसिल, तो सम कटर आर पेंसिल, देखो इन दोनों के बीच में ऑल रिलेशन है, तो याद रखो जहां पे ऑल रिलेशन होता है वहां पे सम का कंक्लूजन हमेशा ट्रू होता है। इसको नोट डाउन कर लो, अगर स्टेटमेंट में दो एलिमेंट ऑल से कनेक्टेड है उन दोनों के बीच में जैसा भी सम मांगे वो हमेशा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू। अब करो बाकी, हमें लग रहा है तुम्हारा भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है सिलोजिम में, ठीक है, कल का क्लास हम सिलोजिम का पूरा रखेंगे, ठीक है, कल 1.5 घंटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिलोजिम का करवाएंगे, फिर कमिंग वीक में एक क्लास करवा देंगे, ठीक है। सिलोजिम जानना बहुत जरूरी है बैंक एग्जाम के लिए। क्लियर हो दोनों? थोड़ा बहुत आइडिया आया, जिज्ञासा आंसर यही आया था, चलो तब सही है। करो बाकी आप समझी? ओके चलो, ये एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, फिलहाल क्लरिकल लेवल का है, बताओ क्या होगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन पीओ में एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा कम है, क्लरिकल का क्वेश्चन है, तो बताओ क्या होगा। कोई बात नहीं जिज्ञासा, ठीक है, हम क्लास मतलब इसका कॉन्सेप्चुअल क्लास दे देंगे, ठीक है, समझा देंगे एक बारी ताकि कॉन्फिडेंस लो ना हो, क्योंकि ये तो श्योर है कि पीओ जाओ या क्लर्क जाओ, प्रीलिम्स में तुम्हें सिलोजिम से क्वेश्चन आने ही आने हैं, भले ही वो 5 मार्क ना हो कि 3 मार्क हो, पर आएगा ही आएगा जरूर। करो बाकी ऑप्शन सी 8, 6 एंड 4, मतलब जिज्ञासा तुम्हारा भी ऑप्शन सी ही आ रहा है, ओके तो बोल रहा है कि नंबर क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है 9, 4, 3, 6, 5, 2, 7, ओके 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा ऑड नंबर से, मतलब दिस विल बी 8, ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 2 ऐड किया जाएगा इवन में, मतलब 4, 2, 6, 6, 2, 8, 2, 2, 4, ओके देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर ट्वाइस, दो बार कौन कौन दिख रहा है, दो बार मुझे 8 दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है, तो 8, 6, 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ओके चलो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, एकदम प्योर लेवल का है, ध्यान से करना, टेक योर टाइम, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लर्क में आने के चांसेस नहीं है, पीओ लेवल का है, ध्यान से करना।
जिज्ञासा अरेंजमेंट हो गया, क्वेश्चन है नीचे, इसके क्वेश्चंस है, अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट पूरा प्रॉपर आ रहा है या इधर और में कुछ आ रहा है? कोई पर्सन का अरेंजमेंट काइंड ऑफ इधर और हो रहा है, ओके okay? क्वेश्चन ये एग्जैक्ट है, ठीक है, मॉडल पेपर हम रखे हुए हैं तो इसी वजह से यहाँ वहां से ये क्वेश्चन हम पूरा एकदम से कॉपी कर लिए थे। करो बाकी कितना दूर गई बताओ हमें, आपका कितना तक हुआ? चलो हम क्वेश्चन शो कर लेते हैं आपको, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आंसर तुम्हारा हो रहा है। अच्छा करो बाकी कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके बनाओ एक बारी। अच्छा सारा नहीं मिल रहा, ओके करो बाकी तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का, हो रहा है या नहीं? तरुण का टी शर्ट का कलर, ब्लैक, मतलब तुम्हारा भी ऑप्शन बी आ रहा है, ओके ये उसके बाद का है, बताओ क्या किए हो इसका आंसर। हम इसी वजह से ही पूछे थे क्योंकि इसके नीचे के क्वेश्चंस एक दो ऐसे इफ लगा के थे। अच्छा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, करो बाकी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिज्ञासा आपका आंसर बताओ। नॉट श्योर, ओके इसका, अच्छा चलो इसके नीचे हम दो ही क्वेश्चन दिए हैं, चलो अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई थिंक तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो क्योंकि हम सॉल्व करने के लिए दूसरा व्हाइट पेज रख लिए हैं। अगर ये क्वेश्चन को तुम लोग लिख लिए होगे इसका रफ तो अच्छी बात है, ओके क्योंकि हम दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे इसको, या तो स्क्रीनशॉट रख लो या तो जो अपना रफ वर्क किए हो वो देख लो, ठीक है। देखो तुम्हें बताए गए हैं छह लोग हैं, छह कलर का शर्ट है, छह गाड़ियां भी है और अलग अलग छह रैंक है, ओके मतलब एक पर्सन का तीन तीन डेटा तुम्हें सही बिठाना है, तो जाहिर सा बात है ये तुम्हारा एक थ्री डायमेंशनल पजल बन रहा है। इसी वजह से हम तुमको बोले कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे फिलहाल क्लर्क में तो नहीं आने वाले, ओके थ्री डायमेंशनल पजल क्लर्क के प्रीलिम्स में आने के कभी चांस ही नहीं है, वो भले ही एसबीआई क्यों ना हो, ओके तो अब तुम्हें क्या क्या डेटा दिया गया है वो लिख लेते हैं। तरुण जो है वो फोर्थ पोजीशन और उसका ड्राइविंग क्या है, सिटी है, ओके छह लोग हैं तो पहले छह ड्रॉ कर लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है ये फर्स्ट रैंक वाला है, ये सेकेंड रैंक वाला है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, ऐसे कर लेते हैं। तरुण फोर्थ रैंक में है, नाउ दिस पर्सन इज तरुण, टी से तो और किसी का नाम शुरू नहीं है, तरुण, और उसका गाड़ी क्या हो गया, इसका गाड़ी सिटी हो गया, नाउ दिस इज योर सिटी, यहाँ पे ये आ गया। फिर आपको बोला गया है ब्लू कलर का शर्ट जो है वो वेंटो, ठीक है ब्लू कलर वाला शर्ट वेंटो है, सेकेंड पोजिशन नहीं है, ओके यहाँ पे बना लेते हैं ब्लू कलर वाला जो है वो वेंटो चला रहा है, ठीक है और वो सेकेंड रैंक में नहीं आएगा, ये हो गया। करण जो है वो व्हाइट कलर का शर्ट है, ठीक है ओके करण का यहाँ पे आ गया, करण के में भी एक ही नाम है, चलो करण जो है वो व्हाइट कलर के शर्ट में है, उसके लिए दो चीजें मना है, पहला क्या मना है कि वो वर्ना और ऑप्ट्रा नहीं चला रहा है, ठीक है दो गाड़ी उसको मना है, वरना भी नहीं है ऑप्ट्रा भी नहीं है, उसके साथ साथ उसको और एक चीज क्या मना है कि वो फर्स्ट रैंक में भी नहीं है, ओके यहाँ पे ये फर्स्ट रैंक वाला बंदा भी वो नहीं होगा, उसका रैंक वन भी नहीं है, यहाँ तक हो गया। फिर ग्रीन कलर टी शर्ट जो है वो सिक्स्थ में है और ऑप्ट्रा है, ओके यहाँ पे ये बंदा जो है ये ग्रीन कलर के टी शर्ट में है, ठीक है और ऑप्ट्रा उसका गाड़ी है, ये वाला हो गया, ठीक है। जिसका द पर्सन हु सिक्योर थर्ड पोजीशन, ओके जो थर्ड पोजीशन में है
वो ड्राइव कर रहा है सिविक, मतलब उसका गाड़ी जो है वो सिविक है, सिविक उसका गाड़ी है। ये हो गया थर्ड पोजीशन वाले का, गाड़ी सिविक है। हम ऊपर में गाड़ी रखे हैं, नीचे में जो है वो कलर रखे हैं। ओके, जो फर्स्ट रैंक वाला है वो SX4 चला रहा है, वॉज द फर्स्ट रैंक वॉज ड्राइविंग। हाँ, वो SX4 चला रहा है गाड़ी उसका, एंड वो ब्लैक नहीं है, रेड कलर नहीं है। चलो, फर्स्ट रैंक वाले को दो चीज मना हो गया, ब्लैक कलर उसको मना हो गया, रेड कलर भी उसको मना हो गया। ठीक है, ब्लैक कलर उसको मना हो गया, रेड कलर भी उसको मना कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, चेतन जो है वो येलो टी शर्ट पहना हुआ है। चलो, तो फिर यहाँ पे चेतन को ले आओ येलो कलर के साथ। ठीक है, चेतन का येलो कलर का शर्ट है, तरुण जो है वो रेड नहीं पहना हुआ है, तरुण को, अच्छा ये बंदे को रेड मना है। ठीक है, अब ऐसा कुछ कंडीशन में रह गया है क्वेश्चन। जाहिर सा बात है कलर में तो उतना डेटा है नहीं। ओके, तो अगर इसको थोड़ा सा देखते हैं, ब्लू कलर जो है वो वेंटो। ओके, ब्लू कलर वेंटो अगर है वो टू में नहीं है, तो सिर्फ फाइव में ही एक जगह मिल रहा है कि गाड़ी जो है वो वेंटो हो जाएगा, कलर जो है वो ब्लू कलर हो जाएगा। अब इसके चलते गाड़ी एक ही है, वरना सिटी SX4 वेंटो, वरना है, अच्छा वरना ही है, तो सेकंड में जो है वो वरना हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी का ये सीन बन गया। ओके, के व्हाइट है वो फर्स्ट रैंक में नहीं होगा, ठीक है, वो वरना में भी नहीं होगा और ऑप्ट्रा में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यही हो जाएगा तुम्हारा के जिसका कलर क्या चढ़ना है, व्हाइट चढ़ना है। ये भी हो गया काम खत्म। उसके बाद फर्स्ट रैंक वाला जो है वो ब्लैक नहीं है, रेड नहीं है, वो ब्लैक नहीं है, रेड नहीं है, तो उसके बाद बचा क्या, ब्लैक और रेड के बाद बचा ब्लैक व्हाइट रेड ग्रीन, ब्लैक व्हाइट रेड ग्रीन। ओके, वो ब्लैक नहीं है, रेड नहीं है। ओके, ब्लू येलो, ब्लू चला गया है, इसका मतलब ये येलो हो जाएगा, फर्स्ट रैंक वाले का कलर येलो कलर हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। सेकेंड और फोर्थ रैंक फिलहाल ब्लैक और रेड में फंसे हैं। ठीक है, टी का रेड कलर नहीं है, टी का अगर रेड नहीं है तो ये तुम्हारा ब्लैक हो जाएगा, नाउ दिस विल बी रेड कलर। ठीक है, यहां तक भी हो गया। सी का येलो कलर चढ़ना है, तो ये वाला बंदा जो है वो सी आ गया। ठीक है, चेतन। ओके, अब और कुछ इतना हुआ या और कुछ डेटा भी हुआ है, देखो इतना तक हुआ है या और कुछ डेटा भी आगे बिठाए हो, फिक्स डेटा इतना मिल रहा है हमें, करुबा की इतना ही है, जिज्ञासा आपको इतना ही, चलो इतना ही हुआ है इसका मतलब। ओके, तो इसका मतलब पर्सन तीन आ जा रहे हैं जो ईद और में है, चेतन गौरव जतिन करण। ओके, चेतन गौरव एक इधर और में है, फिर जतिन भी एक इधर और में है, चेतन गौरव, अच्छा गौरव जतिन करण साहिल, साहिल भी एक इधर और में है। ये तीन लोग इधर और में है क्योंकि क्वेश्चन में इनका नाम कहीं दूर दूर तक है नहीं। चेतन फिक्स, हाँ चेतन फिक्स है, नहीं ये तीनों गौरव जतिन और साहिल, ये तीनों जो है ये फिक्स नहीं हो रहे हैं। ओके, करो बाकी यही सीन है भी तुम्हारा भी। ओके, तो पहला बोल रहा है कि तरुण का टी शर्ट का कलर, तरुण यहाँ मेरा फिक्स है और उसका टी शर्ट का कलर ब्लैक है, चलो एकदम सही बनाई थी दोनों। फिर बोल रहा है जतिन अगर वेंट्रो ऑप्ट्रा नहीं चलाएगा। ओके, जतिन को कहाँ कहाँ मना कर रहा है, जतिन को वो मना कर रहा है वेंट्रो और ऑप्ट्रा के पास, मतलब तुम्हारा जतिन जो है बंदा वो वेंट्रो, अच्छा यहाँ जतिन को वो मना किया है, यहाँ जतिन को मना किया है, तो जतिन तुम्हारा यहाँ आ जाएगा सेकंड में, मतलब वरना और रेड कलर जतिन का हो जाएगा, तो रेड कलर किसका हो जाएगा, जतिन का ही होगा, तो मतलब आंसर डी हो जाएगा।
रेड कलर जो है वो जतिन ही तो बनेगा, जतिन सेकंड में आ जाएगा। अगर ये दोनों जतिन को मना है तो जतिन तो यही सेकंड में ही आ जाएगा, ठीक है, जतिन सेकंड में ही आ जाएगा, तो रेड कलर उसी का ही बनेगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा बाबू, इसका आंसर वही खुद जतिन ही होगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा एक बार बताओ हमें, ये वाला क्वेश्चन कैसा था? देखो बच्चा थोड़ा सा लेंदी होगा पर ये पैटर्न बहुत ही इजी पैटर्न है, ठीक है। जो बोलते हैं ना सर्टन नंबर ऑफ पर्सन बैठते हैं, तो सर्टन नंबर ऑफ पर्सन से भी ये पैटर्न बेटर है। इस टाइप के क्वेश्चन को लेंदी समझ के छोड़ के मत आ जाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, और एक सिलॉजिम का क्वेश्चन है, नहीं करो बाकी पीओ लेबल है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो, ठीक है, जरूरी बिल्कुल नहीं है। इसका एक बार ट्राई करो क्या हो रहा है, आंसर बताओ। हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करने से आराम से हो जाएगा, कल क्लास खत्म करने के बाद नोट्स वाले सेक्शन में हम कुछ पजल प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, उसको सॉल्व करना, जो क्वेश्चन नंबर नहीं बने हमें बोल देना, अगले क्लास में हम उसको डिस्कशन करवाएंगे। जिज्ञासा दोनों फॉलो हो रहे हैं, करो बाकी एक बार आप बताओ। करो बाकी दोनों गलत है, ओके चलो देखते हैं। यहाँ पे पहला बात ये देख लो, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी केस में नहीं है, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में नहीं है, तो सिंपल सा बात है, अगर तुम्हें ये दोनों कंक्लूजन डेफिनाइट है, ठीक है, दोनों कंक्लूजन डेफिनाइट है, अगर वेन डायग्राम में रिलेशन दिखेगा तो सही है, अगर वेन डायग्राम में रिलेशन नहीं दिखेगा तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट बोला है ऑल बैग, सारे बैग जो है वो क्या है, पर्स है, नो पर्स जो है वो क्या है, ब्लैक है, सारे ब्लैक जो है वो क्या है, कवर है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया। पहला कंक्लूजन ऑल बैग आर कवर, तो देखो बैग और कवर के बीच में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो जबरदस्ती मैं क्यों बोलू, अगर मुझे बोलता कि ऑल बैग बींग कवर is a possibility, all bag being cover is a possibility, अगर ये बोलता तो यहाँ पे सारे बैग कवर के अंदर जा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी वाला केस ट्रू होता, पर ये डेफिनाइट बोला हुआ है तो इस पर तो ट्रू होने का चांस ही नहीं है। सेकेंड वाला सम कवर आर पर्स, तो कवर कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर्स, यहाँ इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, अगर यहाँ पे तुम्हें बोलता कि सम कवर आर पर्स इज अ पॉसिबिलिटी तो वहां पे वो क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। पॉसिबिलिटी मतलब तुम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा डेफिनाइट का मतलब है वेन डायग्राम में जितना डेटा दे रहा है, ठीक है, डेफिनाइट का मतलब है वेन डायग्राम मेरा जितना डेटा दिया है मैं उसी से कंक्लूजन ड्रॉ करूंगी। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि मैं एक एक्स्ट्रा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी जो मेरे स्टेटमेंट के साथ साथ मेरे कंक्लूजन को ट्रू करवा सके, ठीक है। जिज्ञासा यहाँ पे देखो, यहाँ एक मैं पॉसिबिलिटी का मतलब सेंटेंस लिखी हूँ, ऑल बैग बीइंग कवर इज अ पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी के लिए अब मैं ये वेन डायग्राम नहीं देखूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, बैग को कवर के अंदर लाऊंगी, तो अब ये मेरा बैग रहा, ये मेरा पर्स रहा, और पर्स का नेगेटिव रिलेशन ब्लैक के साथ है,
और ये सारे लोग अब घुस गए कवर के अंदर, ये सारे घुस गए कवर के अंदर। तो इसमें मेरा क्या हो रहा है, मेरे स्टेटमेंट के जो रिलेशन है वो भी करेक्ट हो रहे हैं, मुझे जो कंक्लूजन ये वाला मांगा था ये भी करेक्ट हो रहा है, तो इसी वजह से ये करेक्ट है। पर जब डेफिनेट मांगा है तो मैं ये वाला वेन डायग्राम ही देखूंगी, कुछ एक्स्ट्रा सोचूंगी नहीं। समझ गए जिज्ञासा? डेफिनाइट का मतलब है जब एक्स्ट्रा नहीं सोचोगी, पॉसिबिलिटी का मतलब है एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश करोगी। थोड़ा आइडिया आया जिज्ञासा इस चीज पे? हाँ, तुम ये लास्ट डायग्राम जो ड्रॉ कर ली थी ये पॉसिबिलिटी रहने से करोगे। ये वर्ड अगर नहीं दिखेगा तो ये वाले डायग्राम से जितना दिखेगा उतना ही होगा। ओके चलो करो, बाकी ये वाला तो सही बताई थी तुम, चलो इसका आंसर दो। ये भी क्लरिकल लेवल का है, ध्यान से करना। जिज्ञासा जेड करूँ, बाकी ऑप्शन ए वाई। ओके जिज्ञासा जेड बता रही हो मतलब कोई वर्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, करूँ बाकी वाई बता रही हो मतलब मल्टीपल वर्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, दोनों मतलब पूरा उल्टा आंसर दे रहे हो, यार क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, फिलहाल थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, देखते हैं। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सेवेंथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, तो ई सी ए आर। ओके एक तो दिख रहा है रेस, एक मुझे दिख रहा है केयर, ठीक है एक रेस भी दिख रहा है एक केयर भी दिख रहा है। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सेवेंथ, हाँ एक रेस दिख रहा है एक केयर दिख रहा है। इट्स ओके जिज्ञासा, कैलकुलेट गलत कर दी क्या? हाँ एकर भी हो रहा है। वही हमको लग रहा था, कुछ नहीं तो सबसे पहले तो केयर ही दिख जाएगा, ऐसे ही लिखते लिखते केयर ही सबसे पहले दिख रहा है। ओके कैलकुलेट शायद गलत कर दी थी, तो मल्टीपल वर्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं तो आंसर हो जाएगा वाई। ठीक है एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे तो थोड़ा सा केयरफुली, क्योंकि अगर तुमसे एक ही वर्ड बनेंगे, ठीक है अगर तुमसे एक ही वर्ड बनेंगे और एक कंडीशन तो जरूर रहेगा कि मोर देन वन वर्ड, ठीक है मोर देन वन वर्ड वाला कंडीशन जरूर रहेगा, तो थोड़ा केयरफुली करना। अगर हम एग्जाम में रहते तो एक बार सर्च करते, अगर दो तीन चार कुछ भी बनता है तो मोर देन वन ही है, पर अगर एक बनता तो हम थोड़ा सा देख के करते या तो रिस्क ही नहीं लेते क्योंकि पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है चलो इसको बनाओ। सम नॉट कंडीशन है, आई थिंक क्लियर हो इसमें।
बोथ फॉलो करो, बाकी बोथ फॉलो. ओके सम फ्लावर कहाँ गया, अरे ये पेन कहाँ रख दी. सम फ्लावर जो है वो रोज है, ठीक है. सम फ्लावर रोज है, कोई भी रोज रेड नहीं है, ठीक है. सारे रेड जो है वो लीव्स है. ये हो गया स्टेटमेंट. सम फ्लावर आर डेफिनेटली नॉट रोज, तुम्हें दिमाग में सोच लेना है ऑल फ्लावर कैन बी रोज. होगा क्या, सारे फ्लावर जो है वो रोज के अंदर जा सकते हैं या नहीं, ठीक है. एक चीज हमेशा याद रखे रहना, अगर देखो यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट है, फ्लावर है और सॉरी 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 रोज नहीं है, रेड है, माय मिस्टेक, ठीक है. दिस इज रेड, ओके. एक मिनट बचा लो. तुम्हें यहाँ पे क्या चेक करना है, सम फ्लावर आर डेफिनेटली नॉट रोज, तो ऑल फ्लावर रोज हो सकते हैं क्या, सॉरी ऑल फ्लावर जो है वो रेड हो सकते हैं या नहीं. तो देखो सारे फ्लावर रेड के अंदर कभी नहीं जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जो एरिया रोज के पास है वो कभी उसको जाने नहीं देगा. तो ऑल जहां पे काम नहीं करेगा वहां पे सम नॉट करेक्ट है, ठीक है. दूसरा बोला है सम लीव आर डेफिनेटली नॉट रोज, तो तुम्हें क्या सोचना है, ऑल लीव कैन बी रोज, ठीक है. ऑल लीव कैन बी रोज, तो सारे लीफ जो है वो रोज के अंदर आ सकते हैं या नहीं. ऑब्वियसली नहीं, जो एरिया रेड पकड़ के बैठा है वो कभी उसको रोज तक आने नहीं देगा. तो यहाँ पे भी ऑल काम नहीं करेगा, तो सम नॉट करेक्ट है. दोनों का आंसर जबरदस्त बोथ फॉलो होगा, ठीक है. दोनों के दोनों करेक्ट होंगे, क्लियर. चलो ये वाला ट्राई करो. ओके ये भी पीओ लेवल का एक है, आराम से अपना टाइम दो और कोशिश करो.
अरुबा की डन, जिज्ञासा डन, चलो ठीक है ओके। ये क्या हुआ आंसर बताओ एक बारी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? जिज्ञासा ऑप्शन बी आया है ओके। करुबा की आपका आंसर बताओ। नॉट श्योर ओके, चलो ठीक है तुम्हारा भी बी आया है बट तुम श्योर नहीं हो ओके। चलो फिर हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं फिर क्या हो रहा है इसका आंसर ओके। सो पांच ही लोग हैं, सार्थक, प्राची, रोहन, कनिका, गगन, SPRKG ठीक है, लिख लेते हैं सार्थक ठीक है, सार्थक, प्राची, रोहन, कनिका, दिस इज गगन ओके। दो डॉक्टर हैं और तीन इंजीनियर ओके, आर्किटेक्ट और सीए हैं। चलो दो डॉक्टर हैं और बाकी तीन जो है वो इंजीनियर आर्किटेक्ट सीए ओके। डॉक्टर एंड द सीए वो दोनों क्या किए हैं, सुपर बोल के कार लिए हैं, मतलब दोनों में से कोई एक डॉक्टर है और जो सीए है वो दोनों सुपर कार लिए हैं, बाकी तीनों का तीन अलग अलग गाड़ी है। चलो ठीक है, पांचों में से दो मुंबई में रहते हैं, बाकी तीन तीन अलग अलग सिटी में है ओके। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो टॉलेस्ट है, वाइल द डॉक्टर हु इज ENT इज शॉर्टेस्ट ओके। ये पांचों में हाइट का भी दिया गया है, एक दो तीन चार पांच ठीक है। जो टॉलेस्ट है वो कौन है, जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है ठीक है, वो टॉलेस्ट है, और ईएनटी का जो डॉक्टर है वो सबसे मतलब शॉर्टेस्ट है ठीक है, ईएनटी वाला डॉक्टर। जो आई स्पेशलिस्ट का डॉक्टर है वो इंजीनियर और सीए के बीच में है, मतलब सीए इंजीनियर के बीच में शायद ये ही वाला बनेगा ओके। ये हो जाएगा तुम्हारा इंजीनियर सीए, और इसके बीच में तुम्हारा आई स्पेशलिस्ट वाला डॉक्टर आ जाएगा। तो बकायदा अब एक ही वजन बच रहा है, वो है आर्किटेक्ट ठीक है, वो है आर्किटेक्ट। तो ये बन गया तुम्हारा हाइट के हिसाब से अरेंजमेंट ओके। कनिका जो है वो आई स्पेशलिस्ट है ओके। कनिका यहाँ पे बन गई तुम्हारा डॉक्टर, और किस बात की डॉक्टर है, वो आई स्पेशलिस्ट है ओके। कनिका आई स्पेशलिस्ट वाले डॉक्टर है और सुपर्ब गाड़ी उसके पास है। अच्छा, सुपर्ब गाड़ी वाली बंदी ये है ठीक है। उसके बाद गगन दिल्ली ओके, गगन जो है वो दिल्ली में रह रहा है, तो इसको यहाँ ले आते हैं। गगन जो है वो दिल्ली का बंदा है ओके, गगन जो है वो दिल्ली में रह रहा है और उसके पास एक वरना है ठीक है, हो गया यहाँ पे। उसके बाद इंजीनियर पुणे और उसका सिटी है गाड़ी, चलो ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं इंजीनियर जो है वो पुणे में जाएगा और उसका गाड़ी जो है वो सिटी होगा, ये एक पूरा सेटअप बिठाना है ओके। प्राची बैंगलोर है, चलो ठीक है प्राची जो है वो बैंगलोर में है, तो यहाँ यहाँ स्पेस छोड़ के यहाँ आ गया बैंगलोर ठीक है। प्राची बैंगलोर में है, सार्थक मुंबई और ENT है, ये सार्थक हो गया ठीक है। ये एक डॉक्टर बना जो ENT वाला डॉक्टर है ठीक है, और मुंबई में ये है, ये वाला बंदा मुंबई में है, डेटा मेरा इतना ही दिया गया है ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा आर बचा है, इसका भी डेटा बिठाना है। चलो देखते हैं क्या बोला था पहले पहले में, पहले पहले में बोला था दो डॉक्टर हैं
ओके दो डॉक्टर मुझे दिख गए हैं और बाकी जो तीन बच्चे हैं वो कौन कौन है, वो है इंजीनियर आर्किटेक्ट सीए। ओके तो यहाँ इंजीनियर के लिए क्या चाहिए, इंजीनियर पुणे और सिटी, इंजीनियर अच्छा एक ही जगह बचा है ये वाला, ये इंजीनियर हो जाएगा, ये पुणे में रहेगा और इसका गाड़ी जो है ये सिटी बनेगा। हो गया, इंजीनियर का काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या बोला है, और दो लोग है आर्किटेक्ट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, तो ये दोनों में से तुम्हारा कोई आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। चलो छोड़ दो, एक डॉक्टर और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, वो दोनों के पास क्या है, सुपर्व है। तो इसके पास सुपर्व है, ठीक है, और एक सुपर्व गाड़ी चाहिए। तो इसका मतलब पी जो है ये बनेगा तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके पास सुपर्व गाड़ी आएगा, क्योंकि ये बंदा तो तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं सकता और इसके पास ऑलरेडी वरना गाड़ी है। ओके, अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मतलब ये बंदा जो बच गया ये तुम्हारा बनेगा आर्किटेक्ट। क्लियर यहां तक हो? उसके बाद क्या बोला हुआ है, उसके बाद बोला हुआ है कि और क्या था, इंजीनियर आर्किटेक्ट ये सब हो गया। फिर गाड़ी का क्या सीन था, गाड़ी का था सिटी इनोवा वरना, सिटी हो गया। अच्छा, इस बंदे का गाड़ी अब इनोवा हो गया। ओके, अब उसके बाद जो है दिल्ली पुणे बैंगलोर, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, दो लोग मुंबई वाले हैं तो ये हो जाएगा मुंबई वाला। अब यहाँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे पी है, फिर आई डॉक्टर के है, फिर इंजीनियर जो है वो आर है, आर्किटेक्ट जो है वो जी है, और ईएनटी का जो डॉक्टर है वो एस है। ओके, ये हाई से लो में हम चले गए, ये तुम दोनों का अरेंजमेंट आया है, एक बार चेक कर लो, जिज्ञासा करेक्ट करो, बाकी एक बार चेक करो। क्या बात है, टू गुड, ओके बहुत ही बढ़िया। पहला क्वेश्चन है प्राची बाय प्रोफेशन क्या है, तो प्राची बाय प्रोफेशन सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो? सेकंड क्वेश्चन है गगन बाय प्रोफेशन क्या है, एक बार चेक करो, गगन क्या है बाय प्रोफेशन, गगन बाय प्रोफेशन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मतलब आर्किटेक्ट। ओके, जिज्ञासा आर्किटेक्ट करूं, बाकी ऑप्शन सी, दोनों आर्किटेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, चलो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक बार बताओ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन डी, कनिका मुंबई में रह रही है। ओके करूं, बाकी आपका भी आंसर सेम है, ऑप्शन डी। चलो ठीक है, कनिका जो है वो मुंबई में रहने वाली है। ओके चलो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। जिज्ञासा बोथ करो, बाकी आपको कल जैसे समझाए थे उसी फॉर्मेट में है, बेसिक वाला क्वेश्चन है। सिर्फ पहला वाला होगा। ओके देखो, ये दोनों तुम्हारे कॉमा देके जोड़े गए हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में एक कॉमा लगा है, तो बेटर होगा कि तुम इनको क्या करो, पूरा कंप्लीटली जोड़ दो। एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू एल लेस देन जे इक्वल्स टू ई, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट स्टेटमेंट।
पहला कंक्लूजन है ई ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो ई से जे एल डब्ल्यू जाने के लिए पाथ है और यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वाला एम ग्रेटर देन एल, एम एन आर डब्ल्यू एल, यहाँ पे रास्ता छूट रहा है, W से L रास्ता छूट रहा है। अब रास्ता नहीं है तो कंक्लूजन नहीं है, सो आंसर विल बी ओनली वन। ओके, जिज्ञासा बोथ नहीं होगा, ओनली वन फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर हो जिज्ञासा? कल हम एंड में थोड़ा सा बेसिक समझाए हैं इसका। ओके, तो तुम पहले वो वाला वीडियो देख लो जो बेसिक्स हम समझाए हैं, उसके बाद फिर हम आप लोग का क्या करेंगे, जो इधर और वाला केस है वो समझाएंगे। ओके, आई होप तुम लोग का आज का क्लास मतलब सही लगा। ओके, तो आज इतना ही क्वेश्चन हम लेके आए थे, कल पूरा एकदम शार्प 7 में रेडी रहना। ओके, और शायद कल और दो तीन बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है, कल इवनिंग में वो दो तीन बच्चे जुड़ जाएंगे, थोड़े से ज्यादा बच्चे होंगे तो तुमको भी और अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम लोगों के कोई दोस्त है अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो एक बार बता देना। ओके, तो कल 7 बजे आना, कल पूरा तुम लोगों का 7 से 8:30 से 9 तक रहेगा। ठीक है, कल 8:30 से 9 बजे तक क्लास रहेगा। कल हम कुछ भी क्वेश्चंस नहीं लाएंगे, सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से लाएंगे क्वेश्चन। ठीक है जिज्ञासा, फिर कल हम सिलोजिम पूरा करवा देंगे। ओके, कल हम सिलोजिम पूरा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, गुड नाइट, थैंक यू।